गेम कुछ ऐसा है, आज है हमारा व्लॉगिंग डे 6 तारीख संडे का और मैं फुटबॉल खेल के आया हूँ। माना मैं लेट गया था फुटबॉल खेलने, 7 बजे के आसपास गया था सुबह और 10 बजे आया हूँ। ऐसा लगा वैसे मैं बयां दे रहा हूँ ज़बरदस्ती बंदूक की नोक, बट बोलना पड़ रहा है, क्या कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करके बहुत थक चुका हूँ, पैरों में लेग्स में बहुत दर्द हो रहा है मेरे इंग्लिश। और फिर अभी ब्लॉग स्टार्ट करा है, दिन जब सूरज आधे पे आ चुका है तब। और भाई तो भाई ये हमारा न्यू ट्राइपॉड है, इसको ऑक्टोपस ट्राइपॉड बोलते हैं और एक आता है वाइट और ब्लैक गोरिल्ला बोलते हैं, पूरे जानवरों के नाम से ही बना रखा है, कोई बात अच्छी बात है। और ये अब हमारे व्लॉगिंग में गेम्स लेके आएगा। अब गेम कुछ वैसे होंगे जैसे हमने सोचे भी नहीं होंगे, काफ़ी अच्छा है और ये कितना भी फ्लेक्सिबल है, काफ़ी बढ़िया है। कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा, मैं बस दिखा रहा हूँ अपनी न्यू न्यू चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस या जो भी बोले वो करा रहा हूँ। आज का व्लॉग मुझे नहीं पता कब तक बनाना है, कैसे बनाना है, क्या क्या करना है, कोई प्लानिंग नहीं कर रखी मैंने, हमेशा की तरह पहले से ही होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग कैसे हैं, और आप लोग कैसे हैं, और आप लोग कैसे हैं। और कैमरा एंगल चेंज करने के बाद मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो इससे पहले व्लॉग शूट हो रहा था वो था ये कैमरा, सॉरी ये ट्राइपॉड। और इस ट्राइपॉड ने मेरा बहुत लंबे सफ़र तक का साथ दिया है, इसको मैंने 2018 या 19 में ख़रीदा था और ये अब तक चल रहा है, बट और ये अभी तक चल रहा है। बस इसकी दिक्कत एक ये आ गई है यहाँ पे कि ये इस तरह से निकल जाता है और लग जाता है, खैर बस इसकी अच्छे से हो चुकी है यहाँ से। और मौसम काफ़ी अच्छा है, सुहाना है, आप सब कुछ कर सकते हैं, धूप भी निकला है, सनी मौसम भी है, कभी कभार बादल लग जा रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज फिर से मैं अपने फ्रेंड बलजीत के पास जाने वाला हूँ 16 सेक्टर में, वो काफ़ी अच्छा दोस्त है, उसके मुझे मिलकर अच्छा लगता है, बात करके अच्छा लगता है, वो मेरी रिस्पेक्ट करता है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आज का लेसन तो मैं दोबारा से मिलने जाऊँगा एक शख्स है जिसे आपको मिलवाना है, काफ़ी क्यूट और काफ़ी प्यारा है, प्यारी है। अगर हाई करते ऐसे बोलते कैसे हो आप लोग, कैसे आप लोग बोलते, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ। थोड़ा सा बता दे अपने बारे में, तू कौन है, नाम क्या है, कितनी एज की है, बता दे। मैं 5 साल की हूँ। हाँ तेरा नाम? मेरा नाम मीरा है। और मैं कौन हूँ? रोहन। और ये कौन है? निखिल। ये टकला है ना। और अभी हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? ये फुटबॉल कर रहे हैं। दवाई कर रहे हैं इसमें? दवाई कर रहे हैं। हाँ और बोल तो, मेरे दिमाग मत खाओ, अब जाओ, मेरे दिमाग मत खाओ, आप जाओ, बाय। और मुझे आप लोगों को एक शॉर्ट स्टोरी बतानी है अपने साइकिल के बारे में, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था, तो करना तो पड़ेगा, बट पहले मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ, ये आइसक्रीम, मुझे जुकाम है, कोल्ड है, साथ में थोड़ा रनिंग नोज भी, बट हम ये करें। स्टोरी टाइम, तो इस वक्त जो मैं जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये सब एक सच्ची घटना पर आधारित है। स्टार्ट करते हैं स्टोरी, पास आ जाइए थोड़ा सा। मेरे पास इस वक्त 2 साइकिलें हो, जिसके कारण नहीं है तो एक है, क्योंकि पिछली वाली जो थी वो चोरी हो गई, उसकी तस्वीर आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये 2 फोटोज़ है। मेरे को वो मेरे जीवन की पहली साइकिल थी मेरी लाइफ की, जो मैंने खरीदी थी, मतलब एज अ गिफ्ट मम्मी पापा ने दिया था। उसका प्राइस समथिंग 6,500, मतलब बोले तो 6,500 अराउंड था। और मुझे साइकिल बहुत चलती थी मेरी, मेरी फर्स्ट लाइफ की पहली साइकिल, मैंने बचपन से ख्वाब देखता था मेरे को इस टाइम पे साइकिल मिली, और वो साइकिल मुझे बहुत पसंद थी। तो एक कहते हैं ना, एक इंसान घड़ी पहन लेता है तो फिर वो हर 2 मिनट में टाइम बताता है, देख देख के इतना हो गया या इतना हो गया, सेम थी मेरे भाई की घर तो छोटे वाले। साइकिल हमने ली, हम चलाते थे, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, मैं बिजी जाता था किसी किसी काम में, उसको यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे भी जाना होता था, 50 मीटर की दूरी पे भी जाना है तो साइकिल लेके जाए। 19 अगस्त 2021 की बात है, वो दोपहर में 3:30 बजे के आसपास साइकिल लेकर के गया किसी काम से, उसने साइकिल नीचे खड़ी गई और फर्स्ट फ्लोर पे गया, कुछ काम था वो काम पूरा करके 5 मिनट के अंदर में आया, साइकिल गाया, साइकिल नहीं मिली। मुझे पता चली, मैं गया ढूंढा, नहीं मिली साइकिल, वो गायब, मुझे मालूम था वो नहीं मिले। फिर मैंने ठाना कि मेरे साइकिल का शौक अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, बुझा नहीं है, मैंने ढंग से चलाया भी नहीं था उसको, लेकिन ऐसा ऐसा हो गया।
तो फिर मैंने अब ये न्यू साइकिल ली और इस न्यू साइकिल का प्राइस इतना है कि मैं इतने में ब्रांड के सिर्फ BRAND ब्रांड नहीं अच्छे ब्रांड के कपड़े खरीद सकता था और जूते भी। लेकिन फिर मैंने लिया नहीं, मेरे को शौक साइकिल का है। कुछ लोगों को बाइक का होता है, गाड़ी का होता है, उसी तरह से मेरे को साइकिल का शौक है। मुझे साइकिल्स बहुत पसंद है, साइकिल राइडिंग करना मुझे पसंद है। तो ये वर्कआउट के लिए काम हो जाता है और साइकिल मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा बचपन का शौक है। और अब मिला है मेरे को तो इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो जाएगा और मैं इन चीज़ों से बोर नहीं होने वाला। तो मेरा साइकिल का शौक था जो कि मैंने ये 11 फरवरी 2022 को लिया अपने बर्थडे वाले दिन। और जैसे जैसे मेरे बर्थडे के दिन करीब आते जाएंगे, इसका भी जन्मदिन करीब आता जाएगा और ये साइकिल मेरे बहुत दिल के करीब है, इसको मैं हमेशा बहुत मेंटेन करके केयर कर रखता हूँ। आप लोग भी रखना अपनी चीज़ों को, अच्छा लगता है, चीज़ बरकरार रहती है, इसकी मैं हर चीज़ को देखता हूँ। तो साइकिल का शौक जो कि ख़त्म नहीं होने वाला है और मुझे बहुत सारी चीज़ों का शौक है लेकिन साइकिल मुझे अच्छी लगती है। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने बताई आप लोगों को। तो कुछ सिनेमेटिक्स शॉट्स ले लेते हैं अपनी न्यू साइकिल के साथ में। इसका नाम मैंने वाइब्स रखा, रोहन की वाइब्स जो आती है वो वाइब्स ही है, तो रोहन्स वाइब्स अब वो वाइब्स है। और ये अभी मैंने डिसाइड नहीं किया ये मेल वर्जन है या फीमेल वर्जन, बट मैं ज़्यादा डिसाइड करूँ कि ये मेल वर्जन है। और अगर थोड़ा कुछ लगा हुआ अटपटा तो वही होता ना कि ठीक है। ये थी स्टोरी, ये थी, बढ़ते हैं सिनेमेटिक शॉर्ट्स की तरफ। ले लिए जो करा था कर लिया, अब इन चीजों को जगह पर भी रखना पड़ेगा ना। अभी जो शॉट आपने देखा थोड़ा डिफरेंट लगा होगा, वो मैंने वाइड एंगल से लिया था, वाइड एंगल शॉट। और अभी टाइम 4 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ फुटबॉल खेलने अगेन। जैसा कि मैंने बताया मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ, पैसे नहीं मेरा तो एज अ हॉबी इसको फॉलो करना है, वीक में एक दो बार मैं खेल लेता हूँ। तो मैं अभी दोबारा खेलने जा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं हम आगे क्या करते हैं, ठीक है। और अब हम निकल रहे हैं सेक्टर 16 के लिए, तो चलो। Thank you.
फाइनली हम आ चुके अपनी डेस्टिनेशन में और अभी रोड क्रॉस कर रहे हैं हम, एक्सीडेंट ना हो जाए। सेक्टर 16 में अब हम जा रहे हैं सेक्टर 17 में, बलजीत को कुछ सामान लेना है। ये रहा बलजीत। और बहुत बहुत क्राउडेड है ये जगह, कोई मुंह देख रहा है ट्राइपॉड के साथ में मेरा, बट ठीक है हमें अपना काम करना है और सामान लेना है, फिर तसल्ली से बैठ के बातें करते हैं। और काफ़ी अच्छा लग रहा है इस व्लॉग में, अब बताना है आपको कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, शेयर करना यार लोगों के साथ में। ये बात मैं नहीं बलजीत कह रहा है, बोल। हाँ भाई शेयर करना है यार, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है हमारा, लोग हमें देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं हमें, लाइक शाहरुख खान ऋतिक रोशन आ गए जाते हैं मलिक सही बोल दिया मैंने शाहरुख खान ऋतिक रोशन, लोग सब्सक्राइब करो फॉलो करो, ये करोगे माम मारेगी बहुत तुम्हें, करना पड़ेगा करो। बलजीत हमारा एक दिल का अच्छा आदमी बन रहा है, वो जानवरों को बिस्कुट दे रहा है, पीछे इसने दिया आले गेल खाया नहीं, और यहाँ पे भी इसने बिस्कुट फेंक रखे हैं और डॉग उधर है और वो आ नहीं रहा। भलाई का जमाना रह ही नहीं गया, अब ये बात जानवर भी जानते हैं। ये रहा वो बिस्कुट, अभी एक दो रखेगा कि ज़्यादा गिरा देंगे फिर वो खाएगा नहीं, वेस्ट हो जाएगा। और ये रहा वो डॉग जिसने मुंह घुमा लिया हमें देख के, जैसे हम उसकी एक्स हो, बेवफा सनम। फाइनली हम बलजीत के घर के पास वाले किसी पार्क में बैठे हुए हैं। अब दिन की समाप्ति के साथ में आप सभी को विदा करते हैं, हम भी होते हैं, लेकिन अभी पापा का फोन 10 बज रहे हैं और घर से फोन आ रहे हैं बहुत सारे, समझ सकते हो। अभी हम पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नहीं हम, एमिवे की तरह कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कभी मत समझा कि कोई अटेंशन सीख करे बंदा, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अब थक चुके हैं। कल भी फुटबॉल खेला था और आज सुबह 3 घंटे मैंने खेला और फिर शाम को भी खेल के और फिर अपने घर से 4 सेक्टर में आना साइकिल में और भी घूमना फिरना, तो बहुत टाइम हो चुका है, थक गया मैं, अब थक चुके हैं। तो आज के व्लॉग को हम ये एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में। गेम कुछ ऐसा है, दिस इज़ गेम।